तो हम हिंदू धर्म छोड़ के हम मुसलमान का परिवर्तन कर देंगे। जिंदा में तो उनको राशन दिया नहीं जा रहा है, मरने के बाद उनको तो इनको न लाभ मिला है न इनको रोजगार मिला है। स्थलीय जांच करिए, चल के आप देखिए अपने कैमरे से पूरे। मुझे ना आवास चाहिए, गांव का विकास और शिक्षा, तब पता चलेगा कि अध्यापक आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। घर की पूरी जो है फोटो लिया जाए, नाम लिख जाता है उसमें रफ में, हमारा झंडा लाल रात है, नहीं तो हरिया झंडा कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जलाला पे मौजूद है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं, जलाला, भमौरा और गहतौली मिलाकर के पूरी एक ग्राम पंचायत जलाला के नाम से संचालित है। आज यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत के अनुसार और तमाम लोग जो है, जो ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं और तमाम अधिकारी एकत्रित हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, लेखपाल हैं और सचिव भी हैं, तमाम इस प्रकार से जो है यहाँ संबंधित अधिकारी मौजूद हैं, तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ चौपाल लगाई गई है। तमाम ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं वो अधिकारी सुनने के लिए यहाँ पर जो है चौपाल में बैठे हुए हैं। इन लोगों की क्या समस्याएं थी, ये आए थे और इस समय जो है वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। यहाँ पर जो चौपाल लगाई गई थी, क्या समस्याएं थी यहाँ, जो काफी लोग एकत्रित हैं और क्या समस्या का समाधान हो रहा है? सभी लोगों की अलग अलग अपनी समस्याएं, सब लोग अपने समाधान अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। अधिकारी लोग बैठे हैं, बीडीओ साहब बैठे हैं, हमारे प्रमुख जी बैठे हैं और काफी सचिव मैडम बैठी हैं, अनामिका पांडे, सब लोग अब सुन रही हैं। अब जिसकी जो समस्या है वो उस हिसाब से उसका आपकी आपकी क्या समस्या थी, आप जो आप भी यहाँ पर चौपाल में मौजूद हैं? हम यहाँ पे आए थे, हमारी हमारा ग्राम है भमौरा, भमौरा में जो है गौशाला बनी हुई है ग्राम पंचायत की, वहाँ पे बड़ी दुर्गत ही जानवरों के लिए। जिंदा में तो उनको राशन दिया ही नहीं जा रहा है, मरने के बाद उनको ट्रैक्टरों में रस्सियों से बांध के कलील कलील के फेंका जा रहा है। वहां पे आप रोड से निकलेंगे तो इतनी दुर्गंध आती है, वहाँ इतनी बदबू आती है कि बहुत ज्यादा बदबू आती है, वहां पे लोगों को आना जाना बिल्कुल प्रभावित हो गया है बिल्कुल। ये समस्या, यानी कि आपके कहने का मतलब है जो भी गौशाला में गौवंश संरक्षित हैं वो उनकी जो है उन्हें पहले खाने पीने का नहीं दिया जा रहा, अगर उनकी मौत हो जाती है तो खुला छोड़ दिया जाता, फेंक दिया जाता। वहाँ पे जो भूसा और जो भी घास भरा हुआ है वो केवल भरा ही हुआ है दिखाने के लिए, केवल बजट उठाने के लिए दिखाने के लिए, अधिकारियों की हमारे पास पूरा है, पूरा खिलाया नहीं जाता, खिलाया कुछ नहीं जाता। नहीं देखिए, प्रतिदिन 4-6 जानवर मर रहे हैं, ऐसा ऐसी कौन सी भाई, कौन सी बीमारी फैल गई, कौन सी महामारी आ गई है जो 4-6 जानवर रोज मर रहे हैं? आप स्थलीय जांच करिए, चल के आप देखिए अपने कैमरे से पूरे देखिए, चल के आप यहाँ पर जो है चौपाल में क्या डॉक्टर वगैरह लोग आए हुए नहीं आए? यहाँ कोई नहीं डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं आए हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, फिलहाल डॉक्टर को भी आना चाहिए। आपकी क्या समस्या थी, आप भी चौपाल के? हमारा समस्या यह है कि गांव में जो है नाली बज आ रही है, सफाई नहीं हुई रही है, मच्छर खाए डर रहे हैं, बड़ी भारी एक समस्या आया है। क्या सफाई व्यवस्था यहाँ नहीं? तालाब खुद रहा था, वो तालाब भी अधूरा पड़ा है, अभी उसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। आपकी क्या समस्या है? सर सफाई कर भी 15-20 दिन में आता है यहाँ पे काम करने जी, तो नाली। और शिकायत आप कितनी बार कर चुके हैं कि यहाँ सफाई कर्मी नहीं आ रहा? सर प्रधान जी से हमने कई बार कहा है। प्रधान जी से कहा, कभी लिखित शिकायत दी है आपने? बीडीओ साहब को दी, सचिव साहब को दी? लिखित शिकायत नहीं दी साहब। आपको लिखित शिकायत देनी है और जब सफाई ना हो तो आप जो है बीडीओ साहब को लेटर दीजिए ताकि जो है सफाई व्यवस्था हो सके, है ना, क्योंकि आपके पास कोई प्ररूप नहीं है कि आपने शिकायत की। जी जी, गलत है। ठीक ठीक, चलिए। इनका दावा था कि सफाई व्यवस्था नहीं है, आपका क्या कारण है आने का? यही हमारा ग्राम यही है जलाला। सफाई क्या दिक्कतें हैं आपको, क्या दिक्कतें? सफाई करके नाली के बगल में वो रख देता है, बाद में 4 दिन बाद वो नाली में फिर गिर जाता है। गुटखा खाते हैं आप? नहीं, गुटखा तो खाते हैं। एक दिन में कितना गुटखा खा लेते? खा लेते हैं 4-5। इतना गुटखा ना खाइए। और दादा क्या समस्या थी आपकी? आप देखने आए थे? हमें पेंशन मिले तो ठीक रहा है। उम्र कितनी है आपकी? 60 साल हुई है। पेंशन नहीं मिल रही? कब हुई थी 60 हुई है, 2-3 महीने पूरे हुए। तो आपने आवेदन किया है, जो फॉर्म भरा जाता, भरा आपने? अब फॉर्म का कोई लेके घर नहीं आएगा आपको देने, पहले आप जो कागज इकट्ठे करके दीजिए, ऑनलाइन करवा दीजिए। आए बनवाओ तो लेखपाल साहब 60 साल वो ज्यादा लिख दी, नहीं ना आए तो वो बेकार है। आइए 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 जी, क्या क्या कह रहे हैं बताइए। पढ़े लिखे है मेरे पाल जी, और अगर आपने जो शब्द कहे हैं तो चलिए चलिए उनकी छोड़िए, आप बताइए आप आए हैं, आपकी क्या समस्या? मेरी समस्या तो यही है कि जो पब्लिक को मैंने काम दिए उस पे अपात्र न किया जाए, क्योंकि मेरी कलम चली है पात्र के लिए, अपात्र के लिए नहीं। शासनादेश में ये दिया गया था कि जिसका रोजगार न हो उसको रोजगार दिया जाए और जिसको कोई लाभ न मिला उसको लाभ दिया जाए।
तो इनको न लाभ मिला है न इनको रोजगार मिला है। तो मेरी कलम पात्र के लिए चली थी, अपात्र के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि हर गरीब को पात्रता की सूची पे ही रखा जाए, हर गरीब को लाभ मिले, और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, इतनी मेरी ही बात है। नहीं तो आपने पात्र दर्शा दिए तो क्या अधिकारियों ने अपात्र कर दिया उन्हें? अपात्र करने में चाहे मेरे विपक्ष के प्रधान जी हो या अधिकारी हो, जो भी किए हो, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। लेकिन सूची में 120 नाम आए हैं आवास के, जिसमें मैंने 183 डाले थे। आपको पता होना चाहिए पात्र पात्र करने प्रधान की कोई हैसियत नहीं होती है, उसमें जो है नहीं अधिकारी जांच करते हैं, इसके बाद में वो पात्र और अपात्र की उसमें दायरे पे आते हैं। मेन भूमिका जिस तरह जिले का डीएम होता है उसी तरह ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान होता है। पत्रकार जी, जब तक प्रधान समिति नहीं बनाएगा तब तक अधिकारी अपात्र नहीं करेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो वर्तमान प्रधान ने अपात्र कर दिया है पात्रों को? आप मुझसे कहें या आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आप टीवी चैनल पत्रकार हैं, आप एक से एक न्यूज छापते हैं और हर विभाग की जानकारी रखते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे ज्यादा समय न दिया जाए। चलिए, ये पूर्व प्रधान थे, क्या नाम हुआ आपका? नयन सिंह वर्मा, एससी समाज से मैं जीता था प्रधान, अब इस समय पूर्व प्रधान नयन सिंह वर्मा। पूर्व प्रधान थे, इन्होंने जो है जो बात कही है इसमें भी जो है बहुत गहराई से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दादा हैं, क्या नाम हुआ आपका? देवराज पाल। आप भी चौपाल में आए हुए हैं, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं हमारे पास। अच्छा, सब बढ़िया है, गांव में बढ़िया चल रहा है? यहाँ गांव में शिक्षा स्वास्थ्य विभाग, बस दो समस्या है। शिक्षा की कैसे, मतलब विद्यालय नहीं? विद्यालय है, अध्यापक आते नहीं पढ़ाने। मुझे ना आवास चाहिए, गाँव का विकास और शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कही दादा ने, जो दो ही समस्याएं हैं यहाँ पर, और यही जो है सरकार को दो पहलू मजबूत करने चाहिए। एक शिक्षा, अगर कोई जो है पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ लेगा, कभी भी वो गरीब नहीं रहेगा। और दूसरा, स्वास्थ्य अगर इंसान का ठीक रहेगा तो कोई भी कुछ कार्य कर पाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई है, लड़ रहे हैं दादा है, गाँव के इसी गाँव में रहते हैं। इसी गाँव में रहता हूँ। क्या करते हैं? किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं, कितनी खेती है? मेरे पास 2 बीघा खेती है। अच्छा, कोई सरकार का कोई लाभ मिला आपको? नहीं मिला। लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते, यानी कि ये जो है सरकार के साथ में है और लगातार जो है प्रयास करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका भैया? युवराज सिंह। क्या समस्या आपकी? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है और सारी चीजें अच्छी हैं। आप इसी तरह सहयोग करते रहिए तो गांव का क्या क्षेत्र का विकास भी हो सकता है। बस ध्यान दिया जाए पढ़ाई में। हाँ, कितने विद्यालय हैं आपके जो तीन गांव है? तीन गांव में टोटल कितने विद्यालय? गांव में हमारे यहाँ एक तो प्राइमरी है, जूनियर हाई स्कूल एक दातौली में है, और भमौरा में एक प्राइमरी स्कूल है। जूनियर हाई स्कूल? हाँ जूनियर। हाँ जो भी है। और कितने विद्यालय में अध्यापक नहीं आते? अब ये तो हम इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर गाँव शादी हो गई आपकी? शादी आदि सब हो गई है। अच्छे होंगे, पढ़ने जाते होंगे? नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे प्राइमरी जलालय में अध्यापक नहीं आ रहे हैं। कौन सा विद्यालय प्राइमरी कहाँ पर है? जलाला में। हाँ, बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है। कितने उस विद्यालय में कितने अध्यापक नियुक्त हैं? अध्यापक लेडीज हैं। कितनी है? 7 है ना? अच्छा, 7 है। उसमें कितने आते हैं, कितने नहीं आते? कितने आ रहे प्रधान जी? ये प्रधान जी है, वर्तमान प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि है जी। क्या नाम हुआ? गौरव सिंह। क्या जो गांव के लोगों की शिकायतें हैं कि विद्यालय तो है लेकिन अध्यापक नहीं आ रहे हैं, क्या समस्या हो रही है, किस विद्यालय की? लगभग विद्यालय में अध्यापक तो सारे आते हैं, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि ना आते हों, लेकिन हमारे समझ लो पूरे विद्यालय में अध्यापक आते हैं। अध्यापक आ रहे हैं? नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया तो वो थोड़ा जो है छुट्टी में है। हाँ, उनका पैर फ्रैक्चर है, बाकी और बाकी कोई समस्या इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन ध्यान दिया जाए तो और अच्छा है। कहाँ गया? क्या नाम है बाबू? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सा विद्यालय? कहाँ है विद्यालय, किस गाँव में? यही गाँव में। जलाला में? हाँ। विद्यालय कहे नहीं गए हो तुम? आज नहीं गए। आज तो विद्यालय खुले हैं, क्यों नहीं गए हो? विद्यालय जाओ तब पता चलेगा कि अध्यापक आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा अमर सिंह नाम है। किस गांव से? इसी गांव का हूँ। कौन सा ये गांव? जलाला गांव। क्या समस्या आपकी? सर, अभी तक मुझको आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला आपको? पात्र हैं? पात्र हैं? आवेदन किया था आपने? सर्वे किया जाए, आवेदन जब होता है तब मुझे बताया नहीं जाता है। अच्छा, बड़ी समस्या ये है कि आवेदन होता है, इन्हें बताया नहीं जाता है। आप किसी से भी पूछ लिया करिए, आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आवेदन किया। और आदमी का काम काज में चले गए सर, जब ये हुआ कि अब तो हो गया काम। खेती पाती नहीं है ना? है खेती पाती है, कितना है? 2-3 बीघे सर।
तीन बीघे हैं तो आप अपात्र हो गए, अपात्र हो गए आप। चले चलिए ठीक है, फिर भी प्रयास करिए, जब अन्य लोगों को मिल जाएंगे जो आपसे जो पहले पात्र हैं, जिनकी खेती नहीं है, भूमि नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, पहले उनको मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। आपका भैया क्या नाम हुआ? फूलकरण। क्या समस्या आपकी? पानी की, पीने का पानी की समस्या। पानी की समस्या है और नदी के पास का ये गांव है और यहाँ के जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद जी का दावा था, यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे और बोले थे कि हम हर घर पानी पहुँचा देंगे बहुत जल्दी, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुँचा है, ये भैया शिकायत कर रहे हैं, समझिए। जलो सुनिए, ये हमारा नल 2 साल पहले खराब हुआ था। हैंडपम्प? हैंडपम्प जी जी, हैंडपम्प 2 साल पहले खराब हुआ था, रिबोर पे है, बसरते कोई वहाँ लगवा नहीं पाता है। अच्छा। जी सर, नहीं रिबोर, रिबोर के लिए अप्लाई कर दिया जी, रिबोर पास है सर। अच्छा। जी प्रधान जी काहे नहीं करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे सर। प्रधान जी आइए भाई, इनकी शिकायत है कि रिबोर के लिए इनका नल पड़ा है, आप रिबोर काहे नहीं करवा रहे? अभी खाते में पैसा नहीं था, पैसा आने के बाद रिबोर कराया जाएगा, तब तक मैंने इनके औपचारिक रूप से शौचालय में पानी भरवाने की व्यवस्था कर रखी है भैया। व्यवस्था 2 साल से ऐसी अब सुविधा चल रही है, अब शौचालय हमारे, अगर फाइनेंशियल अगर अव्यवस्था है तो इसमें तो आप सरकार को कोस सकते हैं ना कि प्रधान जी को, गलत। 6 बार हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दे चुके, सब कुछ किया, तभी हमसे तो नहीं, मतलब हमारे पड़ोस वाले से इनकी मम्मी ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि अब तुम डीएम साहब के पास गए तो डीएम ही आपका नल लगवाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, आपकी जो शिकायत है आप शिकायत करिए, अगर वो सच्चा में करवाने पर जो समस्या का आप समाधान कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं स्वाभाविक है आगे ऊपर जो अधिकारियों पे व्यक्ति जाएगा, जैसे समस्या होगी जाएगा, और हम भी चाहते हैं अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सक्षम अधिकारी तक जाएं और अपनी शिकायत जो अपनी समस्या सामने रखें जिससे उसका जो है समाधान हो सके। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा। अच्छा, क्या समस्या आप? समस्या हमारी आवास में दी साहब, हमारे घर भी नहीं है, 1000 बार 10-76 में फोन किया, 8 साल से सब कोई प्रधान लिस्ट में नाम लिखता है वहाँ कटता है, पैसा नहीं है हमारे पास, हमारे घर की पूरी जांच की जाए हम पात्र हैं कि नहीं है, अगर पात्र ना हो तो हमें कुछ ना दिया जाए, हमारा घर की पूरी जो है फोटो लिया जाए और सब चेक किया जाए कि पात्र हैं हम कि नहीं, जिसके पास 4-4 मकान बने हैं उसके 2-2, 4-4 आवास अभी बन रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम परेशान हैं, हमारे लिए रहने के लिए कोई भी असुविधा है ना, लेटरिन से ना कुछ, और जाप कार्ड में काम भी करते हैं हम, जब काम आता है 186 नंबर जाप कार्ड नंबर है हमारा, तो अगर आवास हमें नहीं मिलती है जल्दी से जल्दी तो हम हिंदू धर्म छोड़ के हम मुसलमान का परिवर्तन कर देंगे। नहीं धर्म छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, नहीं आप नाराज नाराज मत हो, अरे आप मेहर बाबा को मानते हैं? मेहर बाबा जी जी, अवतार मेहर को मानते हैं तो भैया देखो ये जो है 2-2 लॉकेट पहन रखे हैं मेहर बाबा का, आप जो धर्म मत छोड़िए, तो वो तो सब धर्म में है ना मेहर बाबा, आप जो है धर्म मत छोड़िए, आप रही बात काम की तो काम मिलता है आपको जॉब कार्ड में? काम जब आता है तो मिलता है, करते हैं, लेकिन समस्या आवाज की है ना, जो रहने के लिए नहीं है, घर नहीं है आपके पास, चलिए आप अभी इनकी समस्या को जो है गहनता से लिया जाए, और अभी आप वीडियो साहब से मिले हैं? वीडियो साहब से, ब्लॉक प्रमुख जी से, सबसे हमने एक एक बार थोड़ी 10-10 बार रिपोर्ट किया है। तो क्या बोले वीडियो साहब, क्या बोले? नाम लिख जाता है उसमें रफ में, इसके बाद में बस उसको साले को कूड़ादानी में फेंक दिया जाता है। कृपया मैं कहना चाहूंगा वीडियो साहब से, ब्लॉक प्रमुख साहब से, कि इनका नाम जो है रफ कॉपी में न लिखा जाए, जो है फेयर पे लिखा जाए, ताकि जो है इनका नाम जो ऊपर तक पहुंचे और जो है इन्हें आवास मिले, यही है। हाँ। और कुछ मांगे? और कुछ मांग है, गांव की समस्या है, नाली में कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू मच्छर बीमारी फैल रही है, ना पानी की समस्या। अच्छा, चलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है, मैं सब लोगों से जानना चाहूंगा कि जो अभी इस समय मुक्त दवा खिलाई जा रही थी, फलेरिया की हाथी पांव, आपने सुना होगा? सुना है, वो तो दवा खा लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर आइए स्वास्थ्य टीम। हाँ आइए आइए आइए, सब लोगों ने दवा खा लिया? सब लोगों ने खाया। चलिए दिया है, खाया है, चलिए बहुत अच्छा है जो है। यह शिकायत बहुत सीरियस सरकार ले, ठीक है, नहीं तो हम जो है हमेशा जो है हमारा झंडा लाल रात है, भाजपा वाले हैं आप? हाँ नहीं तो हरिया झंडा कर दे। आइए 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 आइए, इनकी समस्या जान लेते हैं, आइए जी। अब आऊँ ये कॉलोनी के बारे में, हमारी भाभी विधवा है, श्री सिद्धिया शर्मा, सुरेश शर्मा खत्म हो चुके हैं, तो हमने फार्म कई प्रधानों में दिया,
उस बार भी जब पैसा नहीं दिया तो कट गया। पैसा दे दिया जाता जो जो भी प्रधान बनता तो 1,000-2,000 चुपचाप पकड़ा दो, 4,000-5,000 उसका नाम आ गया, उन्हीं का नाम है जिन जिन के पैसे मिले गए और हम लोगों का कट गया है। इतना रिक्वेस्ट है, बाकी कमाते खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही कहानी, यानी आवाज की समस्या है। अब न्यूज कितनी बढ़िया आती है। सर आज चौपाल जो यहाँ जलाला ग्राम पंचायत में लगाई गई है, जिसमें आप भी जो है अध्यक्षता दे रहे थे, और किन किन समस्याओं को यहाँ पर सुना गया है और किस प्रकार से जो है समाधान का प्रयास किया जा रहा है? ये ग्राम पंचायत जलाला है, निर्धारित रोस्टर के अनुसार आज चौपाल लगनी थी, जिसमें मुझे भी कई बार रोस्टर प्राप्त हुआ, तो आज मैंने सोचा कि मेरा निरिष्ट गाँव था, समय था, मैंने प्रतिभाग किया, मुझे अवसर मिला जनता के बीच में काम बोलने का, बात करने का, जनता की समस्याओं को सुनने का। जो वास्तव में चौपाल का कार्यक्रम था बहुत अच्छा था, लोग बाहर जिले और विकास खंड, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, तहसील ना चक्कर लगा करके गांव की समस्या गांव में निस्तारण हो रही है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस गाँव की जो प्रमुख समस्या थी, दो तीन समस्याएं आई, जैसे कि एक जल निकासी की समस्या आई है, एक जो है अधूरा रोड बना पड़ा है, वो रोड जो अधूरा बना पड़ा है वो क्षेत्र पंचायत से ही विगत कई साल पहले डलवाया गया था, लेकिन उस खेतों में विवाद हो जाने के कारण बीच में थोड़ा सा काम रुक गया था। उसमें भी आश्वासन दिया है कि किसानों से बात करके उस रास्ते को पूर्ण कराने का काम कराया जाएगा। यहाँ जो सफाई कर्मचारी कृष्ण गोपाल कार्यरत है, कृष्ण गोपाल सफाई करने नहीं आते हैं, उनकी शिकायत प्राप्त हुई है, तत्काल प्रभाव से खंड विकास अधिकारी महोदय ने उनके खिलाफ कार्रवाई और वेतन रोकने के लिए संबंधित को निर्देशित किया है, तथा कुछ आवासों की समस्याएं हैं, कुछ आवास टेक्निकल कमी के कारण कट गए हैं, कुछ आपातता में कट गए हैं। जनता का काम अपनी समस्या को अवगत कराना है, जो लोगों ने बताया है उनकी पुनः जांच करा ली जाएगी, और पुनः जांच कराने के बाद यदि वो पात्र हैं तो उनको आवास दिलाने का कार्य किया जाएगा। बहुत से लोगों ने शौचालय की समस्या बताई है कि शौचालय नहीं है हमारे पास, शौचालय के लिए तुरंत सब लोगों से आवेदन मांग करके शौचालय दिलाने का काम किया जाएगा। रुकी हुई मजदूरी के संबंध में, जो मजदूरी लोगों की रुकी है, नरेगा में पैसा काफी समय से नहीं आया, इस कारण से रुकी है, तो वो समस्या अपने आप निस्तारित हो जाएगी। गौशाला की बात आई कि गौशाला में सम्मान सहित शवों का निस्तारण नहीं होता है, उसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं, गौशाला को देख रहे हैं, जो भी उसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई हो सकेगी कि मृत जानवरों को सम्मान सहित तो उनको दफनाने के लिए जो व्यवस्था हो सकेगी व्यवस्था संपन्न कराई जाएगी। चौपाल बहुत अच्छी रही, लोग संतुष्ट हुए, लोगों से समस्याओं का आदान प्रदान हुआ, और जितनी भी समस्याएं आई हैं सारी की सारी समस्याएं गांव स्तर पर निस्तारण होने योग्य थी, सबको बताया गया, उसमें अमल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जलाला में जो ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया उसमें बड़ी संख्या में गाँव के लोग उपस्थित हुए, और उनकी जो भी समस्याएं थी उन्होंने बताया, मौके पे कुछ लोगों का जो समस्याएं थी उनको निस्तारण किया गया है। बहुत सारे लोगों ने क्या हमारे पास आवास नहीं, आवास जो भी मिलता है वो जो सूची बनी उसके अंदर, क्योंकि इस गांव की सूची खत्म हो चुकी है, तो उनको मांग में तीन प्रकार के रजिस्टर बनाए गए हैं, एक मांग वाला, एक शिकायत वाला बनाया गया है, और जो उपस्थित वाला, तो मांग में उनका लिख लिया गया है, जैसे ही शासन से साइट खुलेगी उनको ऑनलाइन करा दिया जाएगा, क्योंकि सूची में अगर नाम नहीं है तो हम लोग उसको आवास उसका स्वीकृत नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में। और गांव के बीच भी जो सरकार का जो ग्राम चौपाल का आयोजन का कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है, जब अधिकारी समस्त ग्राम स्तरीय अधिकारी आते हैं गांव में आके लोगों को सुनते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है। हम लोगों का भी यही मानना है कि गाँव के आदमी को ब्लॉक और तहसील और जिले पे ना जाना पड़े, उसकी संबंधित छोटी मोटी समस्याएं जो गाँव स्तर पे ही हल हो जाए, ताकि क्योंकि वो जैसे हम श्रमिक हैं, जो मजदूर भाई हमारे हैं जो जिले पे जाते हैं, तहसील पे जाते हैं, ब्लॉक पे जाते हैं, तो उनकी मजदूरी भी मारी जाती है और किराए में पैसा भी लगता है, दुर्घटना घटने की भी संभावनाएं होती हैं, तो उनका उससे वो बचत होगी, और अधिकारी या कर्मचारी उनकी बात ही सुन लेते हैं, आधी हुई समस्या उसी में उनकी हल हो जाती है। और हमारे बीच में आज माननीय हमारे ब्लॉक के माननीय ब्लॉक प्रमुख जी भी आए थे, तो लोगों को भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, और लोग काफी संतुष्ट हैं, और इसी तरह प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। बहुत महीने में कितनी बार चौपाल का आयोजन किया जाएगा? महीने में हर शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में एक उसका रोस्टर हर महीने का बना दिया जाता है कि हम चारों शुक्रवार को
किन दो गांव में करेंगे जाके, उसमें जिले से भी है हमारे परमादरणीय मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी महोदय, परियोजना निदेशक महोदया और उपायुक्त श्रम रोजगार, उपायुक्त स्वतः रोजगार, उनको भी लगाया जाता है कि वो लोग भी जाएं ताकि चौपाल की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। थैंक यू। बिल्कुल, ये देखा वीडियो साहब थे जिन्होंने ये पूरी चौपाल को संबोधित किया और ब्लॉक प्रमुख जी थे और यहाँ पर तमाम जो है ग्रामीण भी थे, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? राम विशाल। आज जो चौपाल रही, आप खुश हैं चौपाल से? सारी समस्याएं सुनी गई? ठीक है। क्या समस्या थी आपकी? हमारी तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हम बैठे थे सुनने के लिए, चौपाल लगी थी। अब जिसका जिनका थी उन्होंने बताया, वो कब आश्वासन दिया निकाल करेंगे। देखिए ये दादा हैं, लगभग इनकी उम्र 65 वर्ष के समथिंग होगी और उससे ऊपर ही होंगे। जरा इनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे जो अधिकारी जा रहे हैं सब उनके साथ में जो है चलते जा रहे हैं, बड़े बड़े पग रखते हुए दादा से बात करेंगे। दादा क्या नाम है? तुनिया। कितनी उम्र है आपकी? मुझे हुई 85-86 जा रही। 85-86 की उम्र है। कहाँ जा रहे हैं आप? यही में जा रहे हैं, जाने ये कहाँ, कौन लोग आए हैं ये जांच करने? वीडियो साहब है, सचू साहब है, सब है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? इसे जा रहे हैं जहाँ अपथ है। देखा देखा ये लोग थे तो। हाँ क्या कह रहे हैं? ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं। ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं। देखिए सब लोग जो है जा रहे हैं जहाँ जो समस्या है, समस्या को देखने और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखेंगे जो अभी है सक्षम अधिकारी थे वो लोग जो सर्वे के लिए आए हुए थे, सभी अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ जो ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ पर समस्याएं हैं, ये समस्याएं जानने के लिए, देखने के लिए, निरीक्षण करने यहाँ पर जो है आए हुए हैं। देखेंगे ये जो है ये नाला है, नाले पर जो है क्या समस्या है, इसका जो है समाधान निकालने के लिए यहाँ पर अधिकारी सभी लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग जो है आपस में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।